अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। कलंदरी दीवाने यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ और अपने दोस्तों के हमराह हूँ। आज मेरे प्यारे भाई दोस्त मोहम्मद असलम सांगी साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कज़न जो है वो रज़ा इलाही से फ़ौत हो गया था। हम उसकी कुलखानी पर आए हुए हैं। साथ मेरे जाम अल्लाह वसाया डूडी साहब खड़े हैं और उसके साथ हज़रत ख्वाजा सुल्तान महमूद कुरेजा साहब जो गढ़ी अख्तियार खान से तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे दो चार बातें करूंगा। जनाब ख्वाजा सुल्तान महमूद कुरेजा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हमारे चैनल के साथ आप अटैच हैं और आप बताएँ कि हमारे चैनल कैसा चल रहा है और इसके व्यूज़ वगैरह, वॉच टाइम वगैरह और जो वीडियो हमारी आ रही हैं कैसी लगती हैं आपको? वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त, और इलाकई हिसाब से हैं। जो मकामी तौर पर जो चीज़ें अमूमन शहरों में जो दिखाई नहीं देती, अमूमन शहर में लोग जो रहते हैं उनको पता नहीं होता कि देहात में क्या होता है क्या नहीं होता, और जो दही माहौल होता है वो शहर वाले जो होते हैं अक्सर नाशना होते हैं उससे। तो ये जो है आपकी बहुत अच्छी काविश है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको कि आप जो दही माहौल को और दही ज़िंदगी को जो शहरों में आप उजागर कर रहे हैं और लोगों तक जो ये मालूमात पहुँच रही है हम और जो अहले देहात हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो आप मतलब फिल्में बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं या जो भी मालूमात आप फराहम करते हैं, मैं समझता हूँ शहर वालों के लिए एक अच्छी सी एक ख़बर होती है, एक मालूमात होती है। और शहर की मालूमात तो हर बंदे के पास होती है, मगर देहात की माहौल की जो है ना ख़बरें हर शहरी के पास नहीं होती, क्योंकि वो इतना उनके पास टाइम नहीं होता, घर से निकला अपने बिजनेस से घर पर इस तरह चलता रहता है। तो बोलो ये बहुत अच्छा चैनल है, तो मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों से इस चैनल को देखें, अपने व्यूज़ दें और अपने जो आप राय इसके बारे में दें। उसके बाद जनाब हमारे प्यारे दोस्त रईस पप्पू साहब साथ तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी मैं सवाल करूंगा कि रईस पप्पू साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। उसके साथ हमारे प्यारे भाई मोहम्मद असलम सांगी साहब खड़े हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके कज़न की कुलखानी पे आए हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ की और उनके साथ मोहब्बतें बाँटी और हम उनसे इजाज़त चाह रहे हैं। और असलम खान साहब आप भी हमें इजाज़त दें इंशाल्लाह, फिर रब्ता रहा तो इंशाल्लाह आपके साथ रब्ते में कॉन्टेक्ट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जाम अल्लाह वसाया आप कैसे हैं, तबीयत ये ठीक है, आपकी खैरियत से हैं? ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, क्योंकि कलंदरी दीवाने यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, काफ़ी मैं वीडियो बनाता हूँ, सरायकी में भी बनाता हूँ, उर्दू में भी बनाता हूँ, पंजाबी में बनाता हूँ, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हमें सरायकी समझ नहीं आती, तो उनके लिए हमें कोशिश करता हूँ, क्योंकि कौमी ज़बान है हमारी उर्दू, तो उसी हिसाब से तमाम दोस्तों के साथ मैं उर्दू में इंटरव्यू भी करता हूँ। और कैमरा आप पकड़ें और उसके साथ मैं जाम पहलवान साहब का भी तारुफ करवा दूं। ये भी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जाम पहलवान डूडी साहब, इनके यहाँ अभी हम जाएंगे। ये भी हमें कह रहे हैं कि हमारे शॉप पे चलें, आप हमारे भी थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मैं अभी सऊदी अरेबिया से आया हूँ और मुझे वापसी भी जाना है।